मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ में हमारा 14 चैप्टर हमने कल शुरू किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। हमने कल अपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में जानकारी हासिल की, और हमने सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है उसको समझने का प्रयास किया था, उस अवधारणा को समझने की कोशिश की थी। आज हम उसी को विस्तृत रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप सभी को बता रहे हैं कि प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को लेकर हमारे प्रबंध चिंतक विद्वान जो हैं वो एकमत नहीं है, उनकी सबके विचारधाराएं अलग अलग हैं। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि वस्तुओं और सेवाओं का कुशल उत्पादन और विपणन को आधार मानकर अधिकतम लाभ अर्जित करना ही प्रबंध का दायित्व है, जबकि कुछ विद्वान प्रबंधकों द्वारा जो आर्थिक निर्णय लेते समय समाज का हित और उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर जो कार्य करते हैं उसे वे सामाजिक उत्तरदायित्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि रतनजी टाटा ने नैनो कार का निर्माण किया, क्यों किया कि वो ये मानते हैं कि हम एक ऐसी वस्तु का निर्माण करना चाहिए जो समाज की अपेक्षाएं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम चार पहिए, हमारे पास यातायात का साधन हो, चार पहिया हो, हमारे पास भी कार हो, लेकिन कार अफोर्डेबल नहीं है। हमारे भारत की जनसंख्या तो बहुत है लेकिन सोर्स ऑफ इनकम कम होने की वजह से चार पहिए का व्हीकल सब खरीद पाएं, तो रतनजी टाटा ने अपना एक दायित्व समझते हुए, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते एक प्रबंधक के रूप में, कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जिसको उन्होंने एक लखटकिया कार यानी 1,00,000 रुपए में चार पहिया वाहन लखटकिया कार का नाम दिया और उस चीज का उत्पादन और विपणन कर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करा। ठीक है, ठीक इसी तरह के प्रगतिशील एवं समृद्ध चिंतनशाली विद्वान जो है वो समाज के लोकोपयोगी एवं कल्याणकारी कार्यों की और प्रयास किए जाने वाले कार्यक्रम, जिसके अंदर आपका गरीबी को कैसे हटाया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों का कैसे विकास किया जाए, कैसे स्वस्थ वातावरण, प्रदूषण निवारण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, रोजगार आदि को सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना मानते हैं। अब चलते हैं, प्रबंध समाज का आर्थिक और उत्प्रेरक एजेंट है, अथवा प्रबंध को समाज में सामाजिक और आर्थिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, समाज के विभिन्न वर्ग जैसे पुरुष, महिला, बूढ़े, जवान, ग्रामीण, शहरी, कामकाजी, महिलाएं, पेशेवर, इन सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने और भावी जो हमारा काल है उसमें जो उसका प्रतिस्पर्धात्मक है उसकी चुनौतियों का सामना करने की योजनाएं और कार्यक्रम एवं अभियान चलाकर स्वैच्छिक रूप से जिम्मेदारी को उठाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलग अलग विद्वानों ने जो सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के अंदर अपने अपने विचार दिए, उसमें हम आर जोसेफ मॉन्सेन के प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास में उन्होंने अपने चार स्तरों का उल्लेख किया। उन्होंने चार स्तर बनाए, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और चतुर्थ स्तर। प्रथम स्तर जो उन्होंने बनाया, प्रथम स्तर में वो कहते हैं कि जिसके अंदर उन्होंने कानून की पालन, कानून का पालन करना, कहते हैं कि सबसे पहले प्रबंध का ये उत्तरदायित्व होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व कि ये उसका न्यूनतम स्तर होता है कि व्यवसाय के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उपक्रमों के लिए उसकी पालना करना और उसका निर्वहन करना, ये उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको उन्होंने प्रथम स्तर यानी सामाजिक उत्तरदायित्व के सबसे निम्नतर स्तर पर रखा है। अब आता है हमारा सेकंड स्तर, जिसमें उन्होंने जन आकांक्षाओं की पूर्ति की बात की है। अब इस स्तर पर उन्होंने बोला है कि प्रथम स्तर से उठकर प्रबंध जो हमारी जनसाधारण यानी ग्राहक है उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का अनुमान लगाए और उसके अनुरूप दृष्टिकोण के अनुसार अपने कार्यों को करें। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा स्तर, जो कि इस स्तर के अंदर उन्होंने जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए कदम उठाने की बात करी। अब तीसरा स्तर है, उसमें जन आकांक्षाओं का अनुमान लगाने की बात कही है और फिर उसके अनुसार उनके कदम उठाने की बात कही है। ठीक है, अब चौथा स्तर है, उसके अंदर उन्होंने जन आकांक्षाओं का सृजन करने की बात कही है, उसके अंदर सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का यह सबसे टॉप मोस्ट उन्होंने लेवल बताया है। इसके अंदर प्रबंध
आदर्श समाज के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए, मतलब कि उसको एक आदर्श समाज की स्थापना करने के अंदर स्वेच्छा से मैं नया क्या कर सकता हूँ, नई जन आकांक्षाओं को जन्म देता है। इस प्रकार से आर जोसेफ मेंसेन जो हैं उनकी जो विचारधारा है उसको हमने आज डिस्कस किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्ट्स हे और इडगर की प्रबंध की सामाजिक विचारधारा के बारे में। इन्होंने निम्न प्रारूपों का उल्लेख किया। सबसे पहला अधिकतम लाभ प्रबंध। अधिकतम लाभ प्रबंध अवधारणा एडम स्मिथ की कृति जो है वेल्थ ऑफ नेशन पर आधारित है। इसमें स्मिथ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि कोई भी उद्योगपति समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन तभी करता है जब उसको करने से उसे किसी न किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार जब समाज उद्योगियों को अधिकतम लाभ अर्जने करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है तो उसमें स्वार्थ भावना ही, उसकी ये लाभ कमाने की भावना ही उसे उत्पादन को बढ़ाने या करने का आधार बन जाती है। इससे समाज को अधिकाधिक वस्तुएं प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रबंध की अवधारणा क्या होती है कि उद्योगपतियों के लिए कि प्रबंधक होता जो मेरे लिए अच्छा है वो पूरे देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं लाभ कमाऊंगा तो मैं ज़्यादा उत्पादन करूंगा, और ज़्यादा उत्पादन करूंगा तो ऑटोमेटिकली समाज को क्या होगी, वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादकता मिलेगी और वह उनके लिए लाभप्रद होगी। दूसरी होती है न्यायसिता प्रबंध। न्यायसिता प्रबंध की अवधारणा तीसा की मंदी से प्रेरित है। उसमें बताया गया कि प्रबंध उत्तरदायित्व केवल लाभ को अधिकतम करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लाभ को प्राप्त कराने में सहयोग देने वाले कर्मचारी, अंशधारी, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, जनसामान्य का भी के प्रति भी इसका दायित्व बनता है। केवल स्वयं के लिए लाभ कमाए और जो सहयोग देने वाले उनके प्रति कोई दायित्व हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस मत के अनुसार प्रबंधकों को एक ट्रस्टी के रूप में संगठन के परस्पर विरोधी दावेदारों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, यानी अनेक पक्षकारों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उनकी ये मान्यता कहती है कि जो उपक्रम के लिए अच्छा है, उपक्रम कब अच्छा होगा, जब उसके सभी पक्षकार उसको सहयोग करेंगे। तो उपक्रम के लिए जो अच्छा है वह संपूर्ण राष्ट्र के लिए अच्छा है। ये विचारधारा सामाजिक उत्तरदायित्व की ये कहती है कि अगर उपक्रम कब अच्छा होगा, जब उसको सब सहयोग करेंगे, सब उसके लाभों में वृद्धि करने के लिए आगे आएंगे, और वो कब होगा, जब उनकी आकांक्षाएं पूरी होगी। तो आप अपने कर्मचारी, अंशधारियों, पूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों के प्रति अपने दायित्व को निभाएंगे तो आपका उपक्रम के लिए क्योंकि अच्छा है तो वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा। और तीसरी विचारधारा के अंदर जो आता है वो है जीवन की गुणवत्ता प्रबंध। ये प्रबंध का ये विचार सामाजिक उत्तरदायित्व के नवीनतम दर्शन को प्रस्तुत करता है। वे कहता है कि जो लाभ अधिकतम करने वाले प्रबंध और न्यायसिता प्रबंध दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है ये विचार। ये कहता है इस दर्शन में इस कार्ते कि जो समाज के लिए जो अच्छा होता है वह हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा होता है। इस प्रकार लाभार्जन को स्वीकार करते ही जीवन गुणवत्ता प्रबंध में विश्वास रखने वाला प्रबंध समाज के लिए हानिप्रद माल का उत्पादन और विक्रय कभी भी नहीं करेगा। इस अवधारणा में प्रबंध के समाज की समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करने, सरकार को एक साझा के रूप में देखता है। इस अवधारणा को स्वीकार करने वाले प्रबंधक समाज में जीवन स्तर में वृद्धि करने, व्यक्तियों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, हर प्रकार से समाज के उत्थान में योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। वह जन स्वीकृति के आधार पर कार्य करते हैं, समाज द्वारा अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अलग अलग विद्वानों की सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को समझने का प्रयास किया था। अब हम कल अपने लेक्चर में पढ़ेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीनतम अवधारणा क्या है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप सभी नोट्स बनाएं और उसको उसमें लिखें।